कोरोना जैसी भयानक बीमारी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में शासन और फायर सर्विस लखनऊ के निर्देश अनुसार स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी आदेश पर सैनिटाइजर अभियान शुरू किया गया, यानी कि शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है, जिसके तहत झुग्गी झोपड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना जैसी महामारी को ध्यान में रखते हुए बीमारी से बचने के लिए हापुड़ में सैनिटाइज अभियान चलाया जा रहा है और लॉकडाउन के दौरान 10 जुलाई से 13 जुलाई तक बड़े स्तर पर अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन करने के संबंध में अग्निशमन विभाग के अधिकारियों को जिलाधिकारी ने आदेश दिए कि 10 जुलाई की रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन के दौरान अग्निशमन विभाग की गाड़ियां और विभाग के कर्मचारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से अस्पताल और विभिन्न कॉलोनी में साथ ही बाजारों में भी सैनिटाइजेशन का कार्य कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की ये मंशा है कि जो COVID-19 के मामले में सर्वे चल रहा है 2 तारीख से 12 तारीख तक, उसमें जो घर छूट गए हैं, जैसे इधर मेरठ मंडल के कुछ लोग हैं, दिल्ली आते जाते रहते हैं, तो कुछ घर बंद मिल रहे थे, तो लॉकडाउन होने के कारण सब के सब लोग अपने घरों में मिल जाएंगे और सर्वे का कार्य आज और कल में बिल्कुल पूरा हो जाएगा और जो छूटे हुए घर हैं वो भी कवर हो जाएंगे। इसके अलावा संचारी रोग के मामले में साफ सफाई का अभियान चल रहा है, उससे साफ सफाई होगी तो जिससे कि बरसात के समय में जो बीमारियां होती हैं, चिकनगुनिया, डेंगू, काला जार, ये सबसे भी लोगों का बचाव होगा। हापुड़ से हरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।